सतना में पहला कोरोना पेशेंट मिलने से जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। पेशेंट अहमदाबाद से 30 अप्रैल को सतना आया था, जो इलाज के लिए बीते 2 माह से अहमदाबाद में ही था। हालत गंभीर होने के कारण एम्बुलेंस से सतना भेजा गया था। मरीज को जिला अस्पताल के ट्रामा यूनिट में आइसोलेट किया गया था। मरीज में कोरोना के लक्षण होने के कारण जांच सैंपल रीवा मेडिकल कॉलेज भेजे गए थे। आज सुबह मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। इस दौरान मरीज के संपर्क में जो भी डॉक्टर, नर्स या अन्य कोई आया है, उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। मरीज की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालत गंभीर देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग ने रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि मरीज जिला सतना के खमरिया गांव का रहने वाला है, जिसे अहमदाबाद से सीधे सतना जिला अस्पताल लाया गया था। ये हीरा लाल नाम के व्यक्ति हैं, जो खमरिया के रहने वाले हैं। ये अहमदाबाद में रहते थे और पिछले करीब 2 महीना पहले से ये काफ़ी गंभीर रोगों से पीड़ित होने के कारण वहाँ अहमदाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती थे। उनकी स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ने पर उनको यहाँ सतना भेजा गया था और सतना में उनको सीधे अस्पताल लाया गया था। अस्पताल में उनको कुछ कोरोना संक्रमण के लक्षण जब दिखाई दिए थे तो इनको कोरोना केयर यूनिट में रखा गया था और इनका 2 तारीख को सैंपल लिया जाकर रीवा जांच के लिए भेजा गया था। आज रीवा से ये रिपोर्ट है कि इनको ये कोरोना पॉजिटिव है, तो चूँकि ये गंभीर अवस्था में हैं इसलिए इनको इलाज के लिए रीवा मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। सर, ये जब ये मरीज की पुष्टि वहाँ पर नहीं, एक तो इनके साथ इनका लड़का भी आया था, लड़का कहीं घर गांव के संपर्क में ना आया हो, इसलिए एक टीम स्वास्थ्य की और पुलिस विभाग की और प्रशासन की एक टीम इनके गांव में तैनात की गई है, जो ये देख रही है कि अन्य किसी लोगों का इनके घर वालों से कोई संपर्क ना हो। जो लोग इनके संपर्क में आए थे, चिकित्सा की टीम को क्या क्वारंटीन किया गया है? जो लोग संपर्क में आए हैं उसकी हिस्ट्री निकाली जा रही है और उनको सभी को यहाँ पर आइसोलेशन में रखा जाएगा और उनके भी सैंपल लिए जा करके उनकी जांच कराई जाएगी। वैसे संपर्क में आने की बहुत ज़्यादा लोगों की संभावना नहीं है, क्योंकि जो इनके साथ एम्बुलेंस में आया है वो और हॉस्पिटल में जिन लोगों ने इलाज किया होगा या जो सीधे संपर्क में आए होंगे उन्हीं लोगों के संपर्क में आने की संभावना है, वो हिस्ट्री निकाली जा रही है और उन लोगों का भी जांच कराया जाएगा। कितने दिनों के कब आए? ये 30 तारीख को आए थे और 2 तारीख को इनका सैंपल लेकर भेजा गया था। शहर पूरी तरह से खुला है, कैसी किसी बात है? शहर के लिए कोई और दिशा निर्देश दिए जाएंगे, जैसे पूरी तरह से ओपन कर दिए गए? नहीं, शहर ओपन किया गया है, लेकिन अभी हम लोग 8 बजे से भ्रमण कर रहे हैं बाजार में और ऐसा कहीं बहुत ज़्यादा कहीं भीड़ नहीं है। हमारी पूरी टीम नगर निगम की, पुलिस विभाग की स्थान स्थान पर लगी हुई हैं और वो पूरा देख रही हैं कि कहीं पर अधिक भीड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं उल्लंघन ना हो। यदि उसके बाद भी कहीं ऐसा ज़्यादा भीड़ होती है तो ये उस दुकान संस्थान की जवाबदारी है कि वो भीड़ एकत्रित न होने दे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए। अगर उसके बाद भी भीड़ कहीं होती है तो हम ऐसी दुकान संस्थान को या ऐसे कोई निश्चित एरिया को जहां पर ज़्यादा भीड़ हो रही है उसको हम लोग पहले 3 दिन के लिए बंद कराएंगे और उसके बाद अगर फिर दोबारा कोई ऐसा मामला होता है तो पूरा 17 तारीख तक के लिए उसको बंद कराएंगे।